हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चिकन सैंडविच और चिकन चीज़ सैंडविच। इसके लिए हमको चाहिए टमेटो, कैप्सिकम, कैबिज, ग्रीन चिली, अनियन और बॉइल्ड चिकन। इसको बनाने के लिए आप चिकन कीमा ले लीजिए, उसको धो लीजिए, उसके बाद उसको पैन में डाल लीजिए ऑयल के साथ, और फिर उसमें एक तेज पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दीजिए, फिर नमक, मिर्ची, गरम मसाला के साथ उसको थोड़ी देर 5 to 10 मिनट उसको पका लीजिए, जब तक उसका कलर थोड़ा सा ऐसा ना हो जाए। और मसालों में हमको चाहिए रेड चिली, मटन मसाला, गरम मसाला, नमक, मिर्ची, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी और ऑयल। अब हम सेम पैन यूज़ को कर लेंगे, आप उसको फुल से थोड़ा सा कम में की रखिएगा। और हम सेम पैन यूज़ किए हैं जिसमें हम चिकन को पकाए थे। अब इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल लीजिए। चलिए फिर अब हम लोग सब्जी ऐड करते हैं। आप कैप्सिकम, कैबेज, अनियन और ग्रीन चिली को उसमें ऐड कर लीजिए। फिर इसको अच्छे से स्टर्न कर लीजिए, थोड़ी देर इसको पकने दीजिए। हल्का हल्का वो पकते रहेगा, उसको पकने दीजिए आप 3 to 5 मिनट्स। देखिए कैसा हुआ है। अब हम उसमें टमाटो ऐड करेंगे। टमाटो ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिला लीजिए और उसको ज़्यादा नहीं 30 to 1 मिनट पकने दीजिए। और फिर इसमें सारे मसाले डाल दीजिए। देखिए ये थोड़ा सा खोग ऐसा ही दिखेगा मसालों के साथ, अच्छे से आपको लगेगा नहीं पका। इसका आप क्या कीजिए, जो मसालों का कटोरी होगा उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और फिर उसमें फिर उसको ऐड कर लीजिए। इसमें देखिए ऐसा थोड़ा सा ऐसा हल्का सा ग्रेवी टाइप दिखेगा आपको। फिर उसमें चिकन ऐड कर लीजिए। चिकन के साथ पानी मत मिक्स कीजिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा डलने के लिए अच्छे से हो गया है। अब सबको अच्छे से मिला लीजिए। और फिर उसको मिलाने के बाद ढक दीजिए, 3 to 5 मिनट्स उसको पकने दीजिए। देखिए रेडी है अब हमारा। 5 मिनट्स के बाद हम देखेंगे तो एकदम ग्रेवी सूख जाएगा और एकदम सूखा टेस्टी चिकन बन जाएगा। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, लुकिंग सो यम्मी। गैस ऑफ कर लीजिए, ये रेडी है। अब हम सैंडविचेस बना लेते हैं। इसके लिए आप सैंडविच मेकर, चीज़, चिकन, ब्रेड, बटर और ये ले और ये स्पेशल ONV स्पेशल शेजवान चटनी बनाएंगे। आप पहले एक बटर, एक ब्रेड ले लीजिए, उसके चारों तरफ अच्छे से बटर को स्प्रेड कर लीजिए। अब हम इसमें स्पेशल ONV किचन शेजवान चटनी लेंगे। ये शेजवान चटनी नहीं है, इसमें हम क्या किए, टमेटो सॉस में ना रेड चिली पेस्ट डाले हैं। रेड चिली उस पेस्ट को बनाने के लिए आप
रेड चिली ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा लहसुन मतलब गार्लिक और थोड़ा सा नमक से उसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर लीजिए, फिर ऐसा चटनी बन जाएगा। और उस इसमें है ना हम वही किए हैं, फिर उसको फिर उसे टमाटो सॉस में मिक्स कर लेना, फिर ये चटनी स्पेशल बन जाएगा। और देखिए हमारे चारों ब्रेड में हमने सेम चीज़ किया है, और फिर एक ब्रेड में हम लोग एक को चीज़ सैंडविच और एक को सिंपल बनाएंगे। एक में थोड़ा सा चीज़ डाल दीजिएगा नीचे, और फिर उसके ऊपर चिकन लगा दीजिएगा जो हम बनाए थे। अच्छे से चारों तरफ चिकन लगा दीजिए, फिर उसके ऊपर चीज़ डाल दीजिए। आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो ज़्यादा लगा सकते हो, कम पसंद है कम, हम एवरेज लगा रहे हैं। और ये बनेगा हमारा चिकन चीज़ सैंडविच। और फिर तो एक और ब्रेड साइज को कवर कर लीजिए, और फिर हम बनाएंगे चिकन सैंडविच। उसमें सेम आप उसमें बस एक चीज़ का फर्क रहेगा, इसमें आप चीज़ नहीं लगाएंगे, सिंपली चिकन को चारों तरफ स्प्रेड करके हम उसको ग्रिल्ड करेंगे। और आप क्या कीजिएगा, जब तक ये होता है आप सैंडविच मेकर को, हम बालाजी का सैंडविच मेकर लिए हैं, आप क्या कीजिएगा उसको प्री हीट में लग दीजिएगा। चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए प्री हीट, तो प्लीज़ उसको टच मत करना, बहुत गर्म रहता है, हाथ जल सकता है। और एकदम संभाल के ब्रेड स्लाइस को ना सैंडविच मेकर में लग दीजिए। उसके बाद उसको बंद कर लीजिए, ऐसा मत रखिए, अच्छे से पूरा लॉक कर लीजिएगा। और जो हाँ बटन लगेगा, जब तक बटन अभी ग्रीन होगा, और फिर ग्रीन से सेम ऐसे कलर का होगा येलो, तब हमको पता चल जाएगा कि वो लेडी है। देखिए बंद हो गया बटन, पूरी तरीके से हो गया, कितना ब्यूटीफुल, कितना टेस्टी दिख रहा है। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं, संभाल के निकाल लीजिएगा, अपना हाथ मत जलाइएगा। चिकन चीज़ सैंडविच टेस्ट करेंगे कि कैसा लग रहा है। आप जब उसको टोल के देखोगे ना तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, पल चीज़ के ना दिखेंगे, चीज़ दिखेगा, मेल्ट हो चुका है पूरा चीज़। अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं। दोनों बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे बहुत पसंद। चलो अब माजा देखते, वैसे माजा बनाए नहीं है पर चलो पीते हैं। पर एक चीज़ है, दोनों सैंडविच बहुत टेस्टी लग रहे हैं, दिख भी रहे और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। मुझे सब बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद, आप भी ज़रूर बनाइएगा। आई